हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो कि है बारबल स्टोरेज रैक। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिम ओनर्स के पास बहुत सारे बारबल्स होते हैं और वो अपने बारबल्स पूरे जिम के अंदर फैला के रखते हैं, जिसकी वजह से जब उनको जिस बारबल की नीड होती है वो बारबल उस समय उन्हें मिलता नहीं है। और साथ ही में कुछ जिम ओनर्स ऐसे होते हैं जो अपने बारबल को दीवार के अगेंस्ट रखते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली जमीन के ऊपर ही अपने सारे बारबल्स रखते हैं। तो इससे नुकसान ही होगा, जब आप वर्टिकली प्लेस करोगे अपने बारबल्स को बिना किसी सपोर्ट के, तो अगर वो गिर गया बाई चांस तो आपकी फ्लोरिंग को डैमेज करेगा, साथ ही में किसी को इंजर कर सकता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली प्लेस करोगे सारे बारबल्स अपने जमीन के ऊपर रखोगे, तो आपके पास वर्कआउट करने का स्पेस काफी कम बचेगा अगर आपका जिम ऑलरेडी छोटा है, या फिर अगर आपके जिम के अंदर कोई कस्टमर आएगा तो उसके पैर पे लग सकता है और वो टिप ओवर करके गिर सकता है, इंजर कर सकता है आपके जिम कस्टमर को। इन सबका एक ही हल है कि आप एक बारबल स्टोरेज रैक खरीद लीजिए, और कोई भी रैक नहीं, आप एक 9 पोस्ट बारबल होल्डर खरीद लीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे बारबल्स हैं, ये आपके बारबल्स को वर्टिकली स्टोर करेगा और साथ ही में बहुत छोटा है तो आपके जिम के अंदर काफी कम स्पेस लेगा और काफी स्पेस एफिशिएंट रहता है। एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है अगर आपको अपने बारबल्स को सेफली और सिक्योरली एक कॉर्नर के अंदर स्टोर करना है। तो इसी वजह से आज मैं एक इक्विपमेंट का रिव्यू लेकर आया हूं, जो कि है लीवे फिटनेस का 9 पोस्ट बारबल होल्डर। ये एक जगह पे स्टोर हो जाता है और काफी स्पेस एफिशिएंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है अगर आपको एक अच्छा जिम स्टोरेज रैक चाहिए तो। तो ये वर्टिकली प्लेस करता है बारबल्स को और आप यहीं से बारबल अपने उठा सकते हैं, आपको सब बारबल्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे और आप कभी भी उन्हें यूज करके वापस से इसी के अंदर रख सकते हैं और स्पेस भी काफी कम लेगा आपके जिम के अंदर अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अगर हॉरिजॉन्टल रैक से। तो आज मैं इस इक्विपमेंट का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा क्यों ये 9 पोस्ट बारबल होल्डर बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है और साथ ही में दूसरे जो 9 पोस्ट बारबल होल्डर आते हैं दूसरे ब्रांड्स के, उनसे ये कैसे बेहतर है और इसका प्राइस क्या है। सो इस वीडियो के अंदर सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू देखना है तो लास्ट तक बने रहिए। सो फर्स्ट लेट मी गिव यू अ फुल वॉक अराउंड ऑफ दिस 9 पोस्ट बारबल होल्डर। 9 पोस्ट होने का मतलब यह है कि इसके अंदर आप टोटल 9 बारबल्स को होल्ड कर सकते हो इन एन वर्टिकली अपराइट पोजीशन, और बारबल की स्लीव डायमीटर 50 mm हो सकता है या फिर उससे भी कम हो सकता है। तो ये टोटल 9 बारबल्स को होल्ड कर लेगा, नो मैटर आपके पास स्पेशलिटी बारबल्स हो या फिर एक बल्क साइज बिग बारबल्स हो, ये कितनी भी बारबल्स को होल्ड कर सकता है। हर एक होल के ऊपर आपको प्लास्टिक कैप मिल जाएगी, जिसका मतलब है अगर आपके बारबल की स्लीव सिरेमिक कोटिंग की है या फिर ब्लैक पाउडर कोटिंग की है, तो प्लास्टिक होने की वजह से जब आप अपने बारबल को इसमें रखेंगे और निकालेंगे तो स्लीव स्क्रैच नहीं होगी उस हद तक, जहां पे अगर ये स्लीव मेटल की होती तो बहुत सारे स्क्रैचेस आपके बारबल की स्लीव्स के ऊपर देखने को मिलते। अगर आप साइड में नजर घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको लीवे की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि लेजर कट कंस्ट्रक्शन की दी गई है और ये 2 साइड्स मिल जाती है। एक यहाँ पे ब्रांडिंग है और इसके बैक साइड के ऊपर भी लीवे की ब्रांडिंग है, जो कि दिखाती है कि ये कॉमर्शियल जिम्स के लिए बनाया गया है और एक बहुत ही पावरफुल लुक देती है ओवरऑल डिजाइन का। और पूरा डिजाइन आप जो देख रहे हो ये सब कुछ अलॉय मेटल का है और उसके ऊपर आपको ब्लैक टेक्सचर पाउडर कोट मिल जाता है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा ग्रिपी भी है और साथ ही में ऊपर कभी रस्ट नहीं लगने वाली, डिस्पाइट कि ये मेटल का बनाया गया है तो रस्ट के इसके ऊपर आपको कभी कोई साइंस देखने को नहीं मिलेंगे। इट्स अ वन टाइम बाय और नो मेंटेनेंस इसके अंदर रिक्वायर्ड है। साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हर होल का जो है वो ट्यूब दिख जाएगी, तो इसके अंदर आपका बारबल जाएगा साइड से जब आप देखोगे, और दोनों साइड ये ओपन है और एक साइड में यहाँ पे आपको मेटल प्लेट मिलती है जिसके ऊपर ब्रांडिंग दे रखी है। सो ऐसा कुछ ये दिखता है। नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट इट्स डायमेंशंस। तो काफी कॉम्पैक्ट साइज का बॉक्स है, स्मॉल फुटप्रिंट लेता है तो आप कॉर्नर में स्टोर कर सकते हो, बट स्टिल कुछ स्पेस तो आपके जिम के अंदर लेगा। एंड कितनी लेगा, तो ये 18x18 इंचेस का बॉक्स है और हाइट में मैं आपको बताऊं तो इसकी जो ट्यूब्स हैं अंदर की ये 7.5 इंचेस की हैं, और अगर आप इसे टॉप तक मेजर करोगे जहां तक इसकी प्लास्टिक कैप है तो 7.8 इंचेस की हो जाती है, विच मीन्स ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स हैं और इसका वेट है 20 kg। तो ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आप एक दो बारबल भी इसके ऊपर स्टोर कर रहे हो और बारबल का वजन अगर 20 किलो भी है तो ये टिप ओवर करके कहीं और गिर जाए। तो काफी हैवी है, ग्राउंडेड रहता है, अपनी जगह से नहीं हिलता। तो गाइज जैसे आपने देखा कि मेरे पास 2 ही बारबल्स हैं एंड ये 9 पोस्ट बारबल होल्डर है, तो मेरे लिए ये इतना रिकमेंडेड नहीं था, बट आई एम डूइंग दिस वीडियो जस्ट फॉर अ रिव्यू, ताकि अगर आपके पास इतने सारे बारबल्स हों तो अब आप उन सारे बारबल्स को इसके अंदर स्टोर कर पाएं। बट स्टिल मेरे पास एक बहुत अच्छा रेफरेंस है आप लोगों के लिए, ये मेरे पास स्पेशलिटी बारबल है, हैकस्ट्रैप बारबल इसे कहते हैं, और आप देखिए इसको ना आप वर्टिकली खड़ा नहीं कर सकते। अगर आपके पास बारबल वॉल रैक भी है तब भी आप उसको इस वाले बारबल के साथ लोड नहीं कर सकते, और
ओलंपिक साइज बार्बल अगर आपके पास स्ट्रेट बार्बल है तो आप कोई भी बार्बल रख सकते हो, बट आप ये देख रहे हो ये कितना वाइड है, तो इसको ना दीवार के अगेंस्ट खड़ा करना या फिर वर्टिकली स्टोर करना या फिर हॉरिजॉन्टली स्टोर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ना सिर्फ और सिर्फ हैक स्ट्रैप बार्बल एक अच्छी तरीके से कम जगह में स्टोर हो सकता है, तो वो 9 पोस्ट बार्बल होल्डर के अंदर ही स्टोर हो सकता है। और ये होल्डर कोई नया नहीं है, वर्ल्ड वाइड इसी डिजाइन के होल्डर्स यूज किए जाते हैं सभी जिम्स के अंदर, और स्पेशलिटी बार्बल्स जो भी हैं, जैसे कि सेफ्टी स्क्वाट बार, हैक स्ट्रैप बार, लॉक बार, या फिर कोई भी बड़े साइज के बार्बल्स होते हैं जो कैंपर बार्स हो गए, सब वो सब 9 पोस्ट बार्बल होल्डर के अंदर ही स्टोर कर पाओगे आप, और कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव इससे अच्छा आपको नहीं मिलने वाला। तो आई हाईली रिकमेंड, अगर आपके पास स्पेशलिटी बार्बल्स हैं तो डेफिनेटली 9 पोस्ट बार्बल होल्डर आपको खरीदना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल बार्बल्स हैं 8, 9, 10, तब भी आपको 9 पोस्ट बार्बल खरीदना चाहिए। एंड अगर आपके पास कम बार्बल्स भी हैं 4 या 5, तब भी आई हाईली रिकमेंड कि आपको 9 पोस्ट बार्बल की नीड पड़ेगी। अगर आपके पास 1-2 बार्बल्स हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं वर्टिकली ही स्टोर करने का या फिर हॉरिजॉन्टली स्टोर करने का, तब वो आपके लिए ऑप्शन बेटर रहेगा। बट सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहता है सबसे कम स्पेस के अंदर, वो है 9 पोस्ट बार्बल होल्डर। सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस इक्विपमेंट। अब लास्ट में इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में आपको बताऊं तो ये प्रोडक्ट आपको लीवे फिटनेस की वेबसाइट पे 8,822 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसके प्राइस के अंदर GST लगा हुआ है और शिपिंग फ्री है, तो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है बिकॉज जिम इक्विपमेंट्स के अंदर ना शिपिंग बहुत हाई लगती है बिकॉज काफी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं और इनको शिप करने में ज्यादा कॉस्ट जाती है। तो लीवे फिटनेस के ना सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको फ्री शिपिंग मिल जाती है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहीं पे भी रहते हो इंडिया के अंदर, चाहे आप केरला के अंदर रहते हो या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हो, कहीं पे भी आप लीवे फिटनेस के इक्विपमेंट्स मंगाओगे तो फ्री ऑफ शिपिंग ही आपको ये शिप करेंगे। और ये प्राइस ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, मैंने और भी 9 पोस्ट बार्बल होल्डर्स देखे थे और ब्रांड्स के, उनके बार्बल होल्डर्स 13-14 हज़ार रुपये के जा रहे थे और क्वालिटी वाइज मेरे को कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। और इसके अंदर आपको प्लास्टिक कैप भी मिल जाती है जो कि बहुत ही एक स्मार्ट डिजाइन फीचर मेरे को लगा। तो इस प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करना किसी भी पैरामीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही स्मार्टली डिजाइन प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन आपको ऑफर करता है। एंड दिस इज द वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको ये होल्डर पसंद आया हो तो इसकी बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा और मेरा कूपन कोड भी जो कि manscott05 है उसको आप अप्लाई करोगे लीवे फिटनेस की वेबसाइट से खरीदने में तो आपको एडिशनल इस प्राइस के ऊपर 5% ऑफ और मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा और आपको मेरा रिव्यू भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।